जय हिंद दोस्तों, ज्ञान ज्योति दर्पण में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना आपको कामयाब के कदम सीरीज के अंतर्गत एक ऐसे नौजवान के साथ मुलाकात कराऊंगा जिन्होंने एक नए इतिहास की रचना की है। भारत की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट से साइकिल पर चले और 1403 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात नेपाल की राजधानी काठमांडू में पहुंचे। वहां उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन किए। इस नौजवान का यह सफर एक दिन में 12 से 14 घंटे का सफरनामा, लगभग 200 किलोमीटर ये तय करते थे और 1403 किलोमीटर के बाद ये नेपाल पहुंचते हैं। यहां से इन्होंने एवरेस्ट की सबसे जो ऊंची पहाड़ी है उसके ऊपर पहुंचकर तिरंगा भारतीय ध्वज फहराया। हरियाणा पुलिस के एएसआई ने हरियाणा पुलिस का ध्वज फहराया, उसे सैल्यूट किया। इस नौजवान की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, युवाओं के लिए प्रेरक है। यदि आप कामयाब होना चाहते हैं, सफलता की पायदान पर कदम रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी विजय जयकार हो, आपका भी नेम एंड फेम ऊंचा हो, तो आपको इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना है और अदब और सत्कार के साथ में इसके अंदर आए हुए जज्बात, इसके अंदर आए हुए मार्गदर्शन को यदि आप स्वीकार करते हैं तो आप अपने जीवन के अंदर सफलता दर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। इससे पहले हम इसके परिवार के बारे में जान लेते हैं। कपिल ठाकुर का जन्म हुआ था 13 अप्रैल 1982 को। इसके पिता सुरेश कुमार हैं, माता इनके संतोष देवी हैं, इनकी पत्नी का नाम अमल लता, इनकी दो बेटियां हैं कीर्ति संध्या 13 और 1 साल की, आदित्य ठाकुर इनके बेटे हैं जिनकी उम्र 10 साल है। कपिल ने 12 जून 2003 को एज ए कांस्टेबल पुलिस में ज्वाइन किया था। इसको शौक था पर्वतारोही बनने का। इसका डिस्कवरी देखने के कारण ये शौक जागा। तो वहां पर जाने के पश्चात ममता सौदा जो पर्वतारोही हैं उन्होंने एक टीम का गठन किया था 2011 में। उस टीम के जो है एडवेंचर टीम जो बनाई गई उसमें इसको शामिल किया गया। तो आज जब उसने एवरेस्ट के ऊपर जाना था तो ये विचार आया कि ऐसा क्या किया जाए, क्योंकि एवरेस्ट कई फतेह कर चुके हैं, वर्ल्ड के कोने कोने से लोग जाते हैं, भारत के बहुत से लोगों ने एवरेस्ट के ऊपर जाकर तिरंगा फहरा दिया है। तब इसने साइकिलिंग का शौक था। गोवाना के अंदर ये रहता है, उत्तम नगर के अंदर जो जिला सोनीपत में है, बरोदा रोड पर। पानीपत में इसकी नौकरी है। तो गोवाना और पानीपत ये 55 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस नौजवान ने बाइक से नहीं, कार से नहीं, साइकिलिंग के द्वारा, साइकिल से इसने अपनी ड्यूटी पर जाना शुरू किया। वो आना जाना इसका 100-110 किलोमीटर हो जाता। ये प्रैक्टिस तैयार की इसने और धीरे धीरे जो है इसने अपने इस साइकिलिंग प्रोसेस को बढ़ा दिया। ये जब वहां पर पहुंचे एवरेस्ट के ऊपर तो हमने इनसे जब चर्चा की, इन्होंने बताया कि एक 18 सदस्यों की टीम काठमांडू से एवरेस्ट के लिए तैयार की गई थी। उसमें 6 सदस्य बीच में बहुत ज्यादा बीमार हो गए, उन्हें रेस्क्यू करके हेलीकॉप्टर के माध्यम से वापस कैंप के अंदर लाया गया, बेस कैंप में, और ये 12 सदस्य वहां पर पहुंचे। हालांकि दिल्ली से काठमांडू
तक का जो सफर है इसका अकेले का तय हुआ है, अकेले साइकिल पर गए हैं, वहां इनके साथ में कोई साथी नहीं था, कोई सहयोगी नहीं था। और यही एक रिकॉर्ड बनता है कि हिंदुस्तान का ये जांबाज बहादुर नौजवान एक नए अंदाज के अंदर एवरेस्ट पर पहुंचता है। आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आइए हम कपिल से बात करते हैं, तो कपिल जी बताएंगे और आप इनको सुनिए, आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त। एएसआई कपिल ठाकुर, मैं हरियाणा पुलिस यूनिट पानीपत में कार्यरत हूं। मैंने 2003 में पुलिस जॉब ज्वाइन किया था और 2011 में मैंने हरियाणा पुलिस एडवेंचर टीम ज्वाइन किया था। हमारी एडवेंचर टीम की जो हेड थी स्टार्टिंग में वो ममता सोदा थी, बाद में उनके नेतृत्व में हमारी जवानों ने काफ़ी अचीवमेंट हासिल की है माउंटेनिंग में। अभी हमारे हरियाणा पुलिस के काफ़ी पर्वतारोही हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर झंडा लहराया है। लेकिन हरियाणा पुलिस का साइकिल एक्सपीडिशन प्लस माउंटेनिंग एक्सपीडिशन ये फर्स्ट सोलो एक्सपीडिशन है जो कि जिसका क्रेडिट भगवान की दया से, आप लोगों की दया से मेरे को जाता है, जिसने माउंटेन इंडिया दिल्ली से स्टार्ट करके काठमांडू तक 108 घंटे जाने में और 78 घंटे में वापस आकर इंडियन रिकॉर्ड कंप्लीट किया है। और साथ में माउंटेन एवरेस्ट बेस कैंप की 18,000 फीट पे हरियाणा पुलिस का झंडा और भारतीय तिरंगा लहराकर आपके अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन किया है। गुहाना पहुँचने पर मेरा आप लोगों ने जो स्वागत किया है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद। अच्छा ये बताओ आगे क्या करने वाले हो, आगे क्या होने वाला है? आगे सर, आगे सर मेरा 7 समिट अभियान स्टार्ट हो गया है, 9 जून से मैं अपना अभियान स्टार्ट कर दिया। डिपार्टमेंट ने, हमारे IGP करनाल रेंज ने, SP पानीपत ने और पुलिस महानिदेशक हरियाणा ने मेरा बहुत सहयोग किया है, मेरे को परमिशन दी है इस चीज़ के लिए, भाई आप अब गेम में जाओ, अचीवमेंट हासिल करो। अच्छा कहाँ जाओगे? अभी सर रूस के लिए और माउंट देनाली के लिए नेक्स्ट मंथ में जाने लग रहे हूँ। अच्छा आपका जो अनुभव है जी, वो जरा ये बताओ कि आपके जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर आप जब पहुँचे थे साइकिलिंग करते हुए, तो उसमें आपके और साथियों का और आपका उनका कोई यादगार लम्हा, कोई उसकी जानकारी दो आप हमें। सर हमारे 3 साथी स्टार्टिंग में, जब 3 दिन का ट्रैक, 4 दिन का ट्रैक स्टार्ट हुआ था, उसमें 3 साथियों को रेस्क्यू करना पड़ा था, उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। और 3 साथियों को जिस दिन हमने चोला पास स्टार्ट किया था उस दिन 3 साथी हमारे होते हेलीकॉप्टर से उनको रेस्क्यू किया गया था। हमारे 18 कैंडिडेट थे, टोटल 18 में से 12 बंदों ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप सबमिट किया है। अच्छा इस उपलब्धि का आप श्रेय किसको देना चाहते हैं? इस उपलब्धि का मैं टोटल श्रेय देशवासियों को और हरियाणा पुलिस को देना चाहता हूँ। आगे क्या यकीन दिलाते हैं? आगे यकीन दिलाता हूँ मैं 7 समिट अभियान कंप्लीट करके अपने देश का झंडा उधर ले रहूँगा। अब हम बात करते हैं इनकी माँ संतोष से। संतोष है जी। अच्छा बताओ क्या कहना चाहते हो आपके बेटे? इसका जी, इसका साइकिल में गेम माँ में खेला मैं पूरा वो था, इसका छोटे है का ही पूरा ध्यान था जी, इसने कभी भी वो नहीं कर, कदे खेलने बोल चलिया गया, कदे ये चलिया गया, साइकिल चलाता, दौड़ करने जाता सवेरे उठ के बगते, कभी मैंने वो नहीं कर, इसने शौक था जी सारी चीज़ा का। तो अभी इनके पिता यहाँ पर हैं हमारे पास, तो इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि सुरेश कुमार जी बता रहे हैं हमें कपिल के जीवन संदर्भ में। क्या कहना चाहते हो आपके बेटे ने इतनी उपलब्धि हासिल किया? गुहाने का, जिला सोनीपत का, हरियाणा का और भारत का नाम रोशन किया, हम इससे बहुत ही खुश। और जो कि ये वहाँ पर काठमांडू और ये झंडा तिरंगा लहराया है भारत का, हम इससे बहुत खुश हैं। और बचपन की बताओ किस तरह? बचपन में ये 9-10 साल का था, साइकिल खोलना बांधना चलाना सीख चुका था, और जब से शौक इसने साइकिल का मोटरसाइकिलों का ये रखा बस, और ये रेस सुबह वक्त उठ कर रेस, और कभी भी इसको एक बार चोट लगी थी उसके बाद इसकी चाय बंद, ये दूध से सुबह अपना दूध से नाश्ता करता है, जो कि ये बहुत ही होनहार बच्चा है। खुश हम इससे। इसको सहयोग करने वाले युवा पर्वतारोही को
जिन्होंने सहयोग किया काठमांडू जिनके माध्यम से पहुंचे हैं, उनका नाम है नरेंद्र गहलोत, राजेंद्र पोखिया, किशनलाल तमर, इन्होंने इसको प्रोत्साहित किया। जबकि एसपी पानीपत, आईजी करनाल, डीजीपी हरियाणा, इन्होंने इसका मार्गदर्शन किया और इस नौजवान ने इनका तहे दिल से आभार व्यक्त किया है। ये एक छोटी सी जानकारी आपको और दे दें, गोहाना के इस लाडले ने काठमांडू से एवरेस्ट के बेस कैंप के लिए 16 अप्रैल को जो चला था, 29 अप्रैल को एवरेस्ट का तिरंगा फहराया और 4 मई को काठमांडू पहुंचे, 5 मई को साइकिल पर सवार होकर 12 मई को ये दिल्ली पहुंच गए। इसके बाद में ये गोहाना आए, गोहाना में नगरवासियों ने, समाज सेवकों ने और इनके चाहवानों ने इसका स्वागत किया, अभिनंदन किया। इसका परिवार इस बात को लेकर के बहुत ही प्रसन्नचित है, बहुत ही खुश है। तो आपको भी अच्छा लगा होगा हमारा ये वीडियो, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारा बहुत ही अच्छे ढंग से इस वीडियो को सुना, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए तहे दिल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और निवेदन करता हूँ। जिन्होंने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया दोबारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको साझा करें। हाँ, एक बेल आइकन है मित्रों, उसको जरूर दबाइएगा ताकि भविष्य के अंदर अच्छी अच्छी जानकारियां आप तक पहुंचती चली जाएं। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।